मुकदमान गुजारिश है कि हमको तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए नौजवानों के लिए। नौजवान जो बेरोजगारी की वजह से जराइम में मुब्तला हो रहे हैं, वो उसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप तमाम से कि जिस तरह से जराइम फैल रहे हैं, ड्रग्स फैल रहा है, वाइटनर का नशा आ गया है, छोटी छोटी बातों पर खतल हो रहे हैं, ये सारे मसाइल का हल हम आपसे मिलकर मुतहदा तौर पर, हमको फिर फिरका परस्ती नहीं चाहिए, हमको किसी के भगवानों को गाली देने का हुक्म नहीं है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है। तो हमको सही रोजगार मिलना, कोई एमएलए का बेटा बेरोजगार नहीं है, कोई एमपी का कारपोरेटर का बेटा रोजगार बेरोजगार नहीं है, सब के बड़े बड़े बहन काबिल होते वोटर जो है ना वो परेशान। मैं आपसे तमाम बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ 30 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी को इस मुल्क को आजाद कराए, लाखों के हिंदू मुस्लिम सब कुर्बानियां दिए कि मुस्लिम ये मुल्क आजाद हुआ। केटीआर बोल रहा कि अगर गवर्नमेंट चले गई टीआरएस तो ये टाइम आ जाएगा कि लोग बोलेंगे के बच्चे छोटे छोटे ये कभी आजाद हुआ करती थी। केटीआर की बाप की जागीर नहीं है, ये तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं इस मुल्क को आजाद करने वाले तमाम बड़े मुल्क बड़े लोग गांधी जी, नेहरू और पटेल साहब के अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मिलके इस मुल्क को आजादी दिलाए। मैं आप तमाम से मुकदमाना इल्तिजा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आप लोग बेदार हो जाइए कि कांग्रेस बीआरएस एमआईएम तीनों एक है, तीनों क्योंकि बीआरएस के बीआरएस और कांग्रेस दोनों अलायंस, बीआरएस और एमआईएम अलायंस है, बीआरएस बीजेपी अलायंस है। आप देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार के खिलाफ हर जगह इन्हें मुहिम चलाई जा रही है कि आरएसएस से ताल्लुक है। आप कौन है आरएसएस से आप देख सकते हैं, क्यों ईडी का रेड नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, जो कविता जो केटीआर केसीआर केटीआर की बहन है, केसीआर की बेटी है, आज तक उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। शराब के बहुत बड़े स्कैम में मुलव्वी से तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मोदी की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत फैला रही है, अमन के खिलाफ काम कर रही है। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ आपसे 30 तारीख के दिन बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी को आप कामयाब कीजिए। आपका निशान कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ है, हाथ के नाम हाथ के निशान पर वोट।